अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। तो अभी हो चुका है हमारा न्यू ब्लॉग स्टार्ट विद अ न्यू डे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अभी जो मुझे पॉलर जाना था, थोड़े आईब्रोज बनवाने हैं, बस जो फिनिशिंग वगैरह देनी आईब्रोज की है, क्योंकि अभी ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई। आपकी भी तैयारियाँ शुरू हो गई होंगी, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद की तैयारियाँ शुरू हुई हैं कि नहीं। और जो है मैं अभी आईब्रोज बनवा के आती, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करवाती, वैसे आईब्रोज एंड अपर लिप्स बनाती हूँ। वैसे तो मैं घर में खुद ही बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने बोला ईद की तैयारियाँ, तो चलो क्यों ना थोड़ा पॉलर का मोड़ा भी देख के आते हैं। तो अपने आईब्रोज बनवा के आती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आपसे। चलिए जी तो चलते हैं पॉलर। पॉलर हमारा जो है वो करीबी है, नीचे ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अभी जाएं जल्दी से बनवा के। बिकॉज जब ईद हो जाती है तो बहुत ज़्यादा रश हो जाती है। अभी भी जो है मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा था, तो मैंने अपनी आईब्रोज करवा ली और फिर मैं फटाफट से अपने घर आ गई। बिकॉज जो है आज बड़ी रात है, तो उसकी भी तो तैयारी करनी थी ना। अब हो रही है हमारी टी पार्टी और ये लगे हुए अपने अपने बालों पे। क्या प्रॉब्लम है आपके बालों को सबीना? कुछ भी नहीं। अच्छा, बेबी हेयर्स आए हैं, इसको टेंशन हो रही है कि मेरे बाल यहाँ से कम हो गए, पर नहीं, वो बेबी हेयर्स हैं। हाँ समझ गई, वो बेबी हेयर्स हैं। और आमना बेचारी के बालों को बड़ी नजर लगी है ना। आमना क्या हुआ आपके बालों के साथ? मेरे बाल बस सब माशाल्लाह किया करे बेचारी आमना के बाल देख कर, ऐसे ना बोला करें, नजर लग गई ऑलरेडी इसको। टकली हो गई हूँ मैं, आधी गंजी हो गई हूँ। कहाँ से? ये देखो। नहीं नहीं है, कोई नहीं, गंजी नहीं, बुड्ढी हो। हे बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। तो हाँ जी, आज है 27वीं शब, 27वीं रमज़ान। तो आज इबादत की रात, तो आज आप जितना हो सके इबादत करें, इस्तग़फ़ार करें और जो है नफिल पढ़ें। आज जो है वो ताक रात है, 27वीं शब है, आज है लैलतुल कदर। तो इसके लिए जो भी उसके बाद आते हैं आप इबादत करें, जैसे भी आप करते हैं, तो जितना हो सके थोड़ी या बहुत इबादत ज़रूर कीजिएगा। तो चले जी मैं अपनी इबादत करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जी तभी जो है मैं इबादत कर रही थी, ये जो है इबादत की रात में, और ये कहते हैं कि लैलतुल कदर की रात भी हो सकती है, तो एक ही वो रात मिल जाए और हम अल्लाह से माफ़ी मांगे तो और क्या चाहिए हमें। आज इबादत का टाइम है, सब जाके इबादत करें। मेरी बहन देखो प्यारी कैसे इबादत करके आई है, माशाल्लाह। हाँ जी, तो अब हो चुका है सहरी का टाइम, चल के देखते हैं कि सहरी में क्या है। बिकॉज आज अम्मी जाग रही थी, तो अम्मी बना रही हैं सहरी। अम्मी जो रोटियां बनाएंगी और उसके अलावा जो है सालन भी अम्मी ने पहले बना दिया था। तो आज इबादत की रात है, तो हम सबको जो है छुट्टी थी, अम्मी ने सब कर लिया है। तो चले देखते हैं कि आज सहरी में क्या है। और अभी जो है सब कुरान पढ़ रहे थे अम्मी और खाला वाले सब, तो इसीलिए अम्मी ने जो है पहले सहरी बना ली। आज अम्मी बना रही है रोटियाँ और आमना अपनी ड्यूटी पे। और ये देखिए आज हमने का मूड इतना अच्छा क्यों है? अच्छा, मतलब मूड खराब कल क्यों था? क्योंकि कल हार गई थी क्या तुम? मिसनी और हमने बना रही है अपने पराठे, खुश हो जा मिसनी। और ये देखे अजूबा, सवीना की टीवी चल गई है। कैसे चली? किस तरह से? हाँ माँ, या क्या कर रही हो? हम ना देख रही हूँ कटिंग। आपको कटिंग चाहिए? मैं कटिंग दूँ आपको अच्छी सी? ये औरत झूठी है। अभी मुझे कैमरा पे बोला नहीं दो मुझे कटिंग, और कैमरा के बाद बोला हाँ ना कटिंग दो मुझे। अब बताओ, डू यू नीड कटिंग और नॉट? हम ना चले, मैं आपको दे दूंगी। अच्छा सा है, थोड़ा बस दही का चाहिए। ते हुए। आप क्यों नहीं कर रही हो? हमने आप भी करो ना, फिर आप ही ने तो बोला मुझे रिकॉर्ड करो। हाँ थोड़ा एक्चुअली रिकॉर्ड कर दे, बिकॉज आज मैं नहीं आई थी अपने ब्लॉग में, इसीलिए फिर बाद में हमने खाना शुरू कर दे। पंजाब आज मेरी क्यूटीज भी आई हैं, इतने दिन से गायब। देखे मेरी क्यूटी आई है आमना, डरा दिया तुमने आमना, बुरी बात, मेरी क्यूटीज को मत डराओ आमना, तुमने हमारे क्यूटीज को डरा दिया। मुझे भी डरा रही हो क्या? मिसनी चलो वॉक करते हैं।
हाँ जी, तो मैंने अभी नमाज पढ़ ली है और अभी जो है मैं बहुत थक चुकी हूँ, अभी मैं सोऊंगी। फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सब खुश रहें। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। तो हाँ जी, अभी टाइम हो चुका है अफ्तारी का, तो चले चल के बनाते अफ्तारी। ऑलरेडी जो है मैं बहुत लेट हो गई, इससे पहले और ज़्यादा लेट हो तो इससे पहले कि और ज़्यादा लेट हो जाए तो चले चल के बनाते हमारी अफ्तारी। और देखिए आज मैं क्या बनाती हूँ। आज जो है मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी, तो इसीलिए मैंने जल्दी से फटाफट से पकौड़े बनाए, और यहाँ पर जो है मैंने आलू के पकौड़े भी बनाए। तो अम्मी हमारी हेल्प करवाते हुए सबीना का शरबत भी आज टाइम पे बन गया। एक्चुअली हम लोगों को आज जो है बहुत लेट हो गई थी, तो इसीलिए हमने फटाफट से अपने जो है काम करना शुरू कर दिए। ले जी, यहाँ पे हमारे दही पकौड़े भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, और उसके अलावा जो है ये पकौड़े मैं नहीं बना पाई, बट आलू के पकौड़े मैंने बना लिए थे टाइम पे। तो चलें अब करते हैं इन्हें सेट। तो अब बना रही हूँ मैं चाय। अभी मेरा चाय का टाइम, चाय पीते हैं, देन हम देखते हैं क्या करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ रिकॉल भी नहीं कर पाई। एंड यहाँ पे हमारी भाभी जन जाते हुए, बाय बाय भाभी जी, राफे बोले। इतनी ताकत दिखाओ दिखाओ, वाओ राफू। अच्छा, इस पे चढ़ोगे, बड़े बड़े बनाओगे, इतनी ताकत। ऑफिस से आगे कुछ कहना चाहते हो? चलिए तो अब करते हैं हमारी टी पार्टी। रचना चाय पियो, बताओ कैसी बनी है चाय। ये हमारी चाय पार्टी हो रही है, रावल आप चाय पी के बताओ कैसी बनी है, बिकॉज आपको भी मेरी चाय अच्छी नहीं लगती ना, इसीलिए अब मैं सीख गई हूँ। पियो आप, देखो कितनी अच्छी बनी। और रचना अपनी चांद बालियां इधर लाओ। आमनू आप भी पी के बताओ, खोल लिया, बोले आप क्या कहना चाहती, किसी को कोई मैसेज देना चाहती थी? इसने कैमरा बंद कर दिया, आप मैं बात भूल गई। चलें बाद में बताइएगा, ठीक है। और आमना हम लोगों को ना हैंड फ्री चेंज भी कराने चलना, याद है आपको? बल्ब चेंज नहीं, आई मीन रिटर्न, वो जो अच्छी नहीं थी, ठीक है। रामी हाय। हाँ जी, तो मुझे थोड़ा सा नीचे काम है, चले चलते हैं नीचे। पहले मैं अपने काम करके आती हूँ। एक्चुअली मुझे जो है हैंड फ्री वो चेंज करवानी थी, और उसके अलावा कवर भी लेना था। हैंड फ्री जो है वो थोड़ी सी यू नो सही नहीं चल रही थी मेरी, तो मुझे वो हैंड फ्री भी न्यू लेनी है, और उसके अलावा जो है मुझे कवर्स भी लेने हैं। तो मोबाइल का एक दो कवर लेकर आती हूँ, तो जो भी थोड़े बहुत काम है निपटा के आती हूँ। और सभी नवानों को पॉलर भी जाना था, तो उन्हें जो है हम नीचे पॉलर भी छोड़ के आते हैं। चलो हमें लेट मत करो, चलो चलो रश्नु। ये लोग पार्लर जा रही हैं और आमना में अपने काम से जा रहे हैं, हीरे खरीदने जा रही हूँ आमना। हाँ चलें जाएं आप पार्लर, हम आपको आके बाद में पिक करते हैं, ओके। हाँ जी, तो फाइनली मेरा आया है ईद पीआर, समथिंग इज स्वीट। मेरा जो है ईद पीआर आया है, खोलने में कितना प्यारा लग रहा है ये। अब जैसे खोल के मैं ट्राई करके बताती हूँ, दे लुक सो यमी। हाँ जी, तो चलो जी ये बाद में ट्राई करते, फिर आपको बताऊँगी कि ये कैसे थे। अभी जो मैं अपने काम कर लेती हूँ। चलें जी, तो अब होती हूँ मैं रेडी, मुझे जाना है जिया वालों के साथ, अपने कुछ सामान वामान लेना था, और उसके बाद जो है मुझे कुछ देखती हूँ कुछ लेती हूँ या नहीं, तो चले होते हैं रेडी और फिर चलते हैं। हाँ जी, तो अब हो चुके मैं रेडी, बस चेंज कर लिया है, अब जिया वालों का वेट है, वो आए हम जाएंगे अभी। अमन आप रेडी हो? ओके, अमन आपकी तबीयत से नहीं है क्या? चलो आप अपना ख्याल रखो, हम जिया वालों का वेट करते हैं। बस अभी हम रेडी हैं और जिया वाले आ चुके, चले चलते हैं। टन टन टन, आज मासूमा भी आई रेडी होके आई है। चलो रचना, चलो आमनू, हमेशा ये लड़की हमें लेट करवाती है। चलो सबीना किथे, सबीना चलो अब। छोकरे जी आए, फ्री आए, हमारा रक्षा भी हमारी कचहरी बन चुका है। ये रक्षा बहुत अच्छा है, आपको पसंद आया? हमारे पास में पूरा आ गया। हाँ।
गई है बेचारी। जिया को जो फिट नहीं आ रहा वो इसको लेने भी नहीं दे रही। सही, ये हमारी डिस्कशन। ये लोग वेट करते हुए जिया का। और मासूम आप बताएं क्या हुआ है? क्यों इनका पार्क है ये? हाँ बताएं। बच्चों को इधर बैन करना चाहिए, बच्चे नोट अलाउ। क्यों, क्या किया उन्होंने? खेल रहे थे। बस यार हमारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। आमना आप क्यों कंफ्यूज हो? आमना हमेशा शॉपिंग पे बोर होती है। नहीं पसंद शॉपिंग। हाँ, रीमा के सामान लेना तो पसंद है आपको? तुम सामान मुझे पसंद है, घर बैठे बैठे मिल जाते मुझे, क्या जरूरत है निकल जाओ। बैक या आ गई। चलो स्टॉप। पिछले महीने तो चक्कर आने लगता है कि बात खाना नहीं खाया ना इसीलिए सो डाउन डाउन। ये हमेशा हमें तंग करती है। अब तुम लोगों का मजा। हाँ दुपट्टा संभाल, रिश्ता पर काम गिरने जाए। चक्कर आ रहे हैं, चक्कर एक उल्टा उल्टा फील हो रहा है। हाँ जी, तो अब आ चुकी हूँ मैं घर एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अभी जो है ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से न्यू व्लॉग के साथ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।